So guys, today I'm going to discuss some interesting facts about the Anacardium medicine from the homeopathic psychology Philip M. Bailey. So Anacardium के बारे में कुछ ऐसे facts मैं आपको बताऊंगी जो आपने सुने नहीं होंगे और जो आपके जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो Anacardium का जो मरीज है, उसका जो फेस है, वो ही पूरा का पूरा बता देता है उस मरीज की स्टोरी। तो ये मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो Anacardium का जो मरीज है, उसका जो फेशियल अपीयरेंस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि उसकी आंखें ही उसकी कहानी बयां करती है। अब वो कैसे, क्योंकि उसका जब हम फेस देखेंगे तो एक तरीके से बिल्कुल टेंस फेस होगा, मतलब बिल्कुल टेंशन भरा फेस, कि अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखा रहा है, यानी कि आईज जो है वो कुछ और बता रही हैं। तो जब हम देखें इसका रिफ्लेक्शन जो होगा, उसकी आंखों में जो रिफ्लेक्शन होगा, वो इंटरनल स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन होगा। तो मरीज का जो चेहरा है वो बिल्कुल टेंशन भरा है, और रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, उसकी इंटरनल स्ट्रगल रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम Anacardium को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि Anacardium में दो विल्स होती है। एक विल उसको कहती है कि ये काम कर लेना चाहिए, दूसरी विल कहती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसका जो माइंड है उसमें मेंटल फॉगिंग प्रेजेंट होती है। कैसे? कि ये अपनी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाता। अब वो कैसे डिसाइड नहीं कर पाता? क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और सामने कुछ और चल रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके मेंटल जो है उसमें कुछ अलग स्टोरी चल रही है, और जो बाहर का जो वर्ल्ड है उसमें कुछ अलग स्टोरी चल रही है। जैसा कि हम देखते हैं, कभी कभी हम टीवी देख रहे होते हैं और क्या हुआ वो हमें पता नहीं चलता, टीवी में क्या हुआ वो पता नहीं चलता, या फिर कोई दो लोग हमारे सामने बैठकर बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या बात करी है हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारे जो दिमाग के अंदर है वो एक अलग तरीके की स्टोरी चल रही है, बिल्कुल वो स्टोरी हमें सुनाई दे रही है, वही स्टोरी हम पूरा इंजॉय कर रहे हैं। तो बाहर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता। तो बाहर कुछ और चल रहा होता है और दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा होता है, इसे ही कहते हैं कि शोइंग द इंटरनल स्ट्रगल थ्रू द आईज। जब हम उसको देखेंगे तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि बाहर क्या हुआ था अभी। और ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाते, कि उन्हें क्या करना है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इस Anacardium के बारे में बताती हूँ, कि Anacardium के दो तरीके के जो हम देखें उनके मेंटल्स होते हैं। एक मेंटल तो होता है जो बहुत अच्छा होता है, वो सोसाइटी को वो शो करता है। एक मेंटल होता है जो खराब होता है, उसका दूसरी साइड होती है, वो सोसाइटी को बिल्कुल शो नहीं करता। अब कैसे दो मेंटल हैं? सपोज एक मेंटल तो है रिलीजियस, मतलब वो बहुत पूजा पाठ करता है, भगवान के बारे में ही बातचीत करेगा और मतलब ऐसे शो करेगा खुद को कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। दूसरी उसकी पर्सनैलिटी ये है कि वो एक बहुत ही, आप देखिए, अलग सी पर्सनैलिटी है। अब अलग सी पर्सनैलिटी क्या है कि ड्वेलिंग ऑन द सेक्सुअल थिंग्स, जो हमने स्टेफिस एग्रिया में भी देखी है, यहाँ पे भी जो मरीज है वो सपोज आप देखिए कि रोड पे कोई वूमेन जा रही है या फिर कोई लोग जा रहे हैं, तो उसका मन करता है कि ही और शी शुड किस देम। तो ये उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वो सोसाइटी को शो नहीं करेगा। उसने एक रिलीजियस पर्सनैलिटी शो कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो सेक्सुअल स्फीयर है उसकी भी पर्सनैलिटी इसके अंदर है जो ये इसको शो नहीं करता। और इसको ऐसा लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो या तो भगवान खुश हुए उसकी वजह से हुआ, यानी कि वो एक रिवार्ड है फ्रॉम द हेवन, या फिर अगर कोई गलत चीज़ हुई इसको पनिशमेंट मिला, दैट इज अ पनिशमेंट फ्रॉम द हेल। यानी कि अगर कोई इसकी लाइफ में अच्छी चीज़ हुई है तो वो जो है दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, और कोई बुरी चीज़ हुई है दैट इज अ पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड। तो ये जो है इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। अब इसमें क्या है, वायलेंस पर्सनैलिटी भी है। अब Anacardium का मरीज कंफ्यूज्ड भी है बट वायलेंट पर्सनैलिटी है। अब जब हम कैंट की रेपर्टरी को उठा के देखेंगे तो कैंट रेपर्टरी में क्या है, वायलेंस के अंडर भी ये मेडिसिन दे रखी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि वायलेंस की भी बहुत अच्छी दवाई है। क्योंकि इसमें जब आप फिलिप एम बेली को देखोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि टैक्सी ड्राइवर है, तो उसको क्या है, एक इम्पल्स आती है कि उसे वुमेन पे शाउट करना चाहिए था लेकिन उसने शाउट नहीं किया, लेकिन अगर उसे मौका मिलेगा तो वो शाउट कर देगा। दैट इज
some different impulse of the anacardium. So इसमें क्या होता है कि इसको ऐसा लगता है कि इसके दो wills हैं, one commanding him to do which the other forbids. यानी कि अगर कोई मरीज कोई काम करने बैठा, बैठ के कहता नहीं ये नहीं करना, या फिर वापस करने बैठा फिर ये नहीं करना, यानी कि दो विल्स उसके दिमाग में चल रही है, ये काम कर लूं नहीं करूं, कर लूं नहीं करूं. तो उसमें क्या है, एनाकार्डियम आती है कि ये काम कर, एक बार उसके मन में आता है काम करने का, दूसरी बार मन में आता है कि इस काम को नहीं करना. तो इस लाइन का मतलब ये है, द वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड्स, यानी कि उसके ये नहीं है कि उसके कंधे पे दो लोग बैठे हुए हैं कि एक उसको ये कह रहा है दूसरा उसको ये कह रहा है, ये नहीं है उसका मतलब. उसका मतलब ये है कि उसकी जो विल्स हैं वो एकदम से चेंज होती है कि ये काम कर लूं नहीं करूं. सो दैट्स द एसेंस ऑफ द एनाकार्डियम, ये एसेंस बनाता है एनाकार्डियम का. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द एनाकार्डियम्स साइकोलॉजी सेज एंड व्हाट द पेशेंट साइकोलॉजी मीन टू विच वी गिव एनाकार्डियम. एंड इफ यू Like it and subscribe our channel. Thanks for watching. No.